फरवरी 2022 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लाइट एंड म्यूजिकल शो का उद्घाटन किया। जम्मू के लोगों के लिए ये बहुत ही आकर्षित करने वाली चीज़ थी और यहाँ पर शाम को जम्मू के लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। ये लाइट और म्यूजिक शो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उस तरफ भी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। स्टेट टाइम्स की टीम ने इस पर एक रियलिटी चेक किया और जब यहाँ पर स्टेट टाइम्स की टीम पहुँची तो हमने पाया कि लोगों को टिकट लेने में परेशानी आ रही है और टिकट लेने के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही और इस बात से उनमें एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर थोड़ा सा रोष है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये लाइट एंड म्यूजिक शो स्टार्ट तो कर दिया लेकिन इसके लिए जो बाकी चीज़ें ज़रूरी थी, जो होमवर्क करना ज़रूरी था, उसमें कहीं एडमिनिस्ट्रेशन चूक गई। हम तो फाउंटेन शो देखने आए थे लेकिन टिकट्स वगैरह भी लिए, अब सीट्स वगैरह है नहीं तो हम सारे खड़े होकर ही देख रहे हैं। अच्छा, सीटिंग का है नहीं कोई, अभी आप देख लो ना सारे खड़े हुए वहाँ पर, कि सीटिंग का थोड़ा करवाइए प्लीज़, थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में होए सारा, तो ताकि मतलब सारे कंफर्टेबली देख सकें। हम पे भी तो कर रहे हैं ना, अब देखने के लिए हम पे कर रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर वे चाहिए सीटिंग का भी, थोड़ा हम अच्छी तरह देख पाए। यहाँ पर सारा हसल हो रखा है, केओस मचा हुआ है सारा, तो वो नहीं चाहिए, थोड़ा नॉर्मल वे में हो जाए सारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज है। आप साइड पे खड़े होके क्यों देख रहे थे? एक्चुअली थिंग इज कि यहाँ पे टिकट थे हमारे पास बट मतलब सीटें नहीं है यहाँ पे इतनी, तो हम तभी नहीं देख रहे यहाँ पे बैठ के, इसलिए हम साइड पे आ रहे हैं। अच्छा जी, के तीन चार जगह टिकट मिलेगी, पहले तो एक ही टिकट से बोलते पूरे बागे बहु पारक घूम सकते हैं, अब चार पाँच जगह के लिए बोल दिया, कभी तीन जगह कभी पाँच जगह, ऐसे टिकट कहाँ कहाँ से लें, एक बार में साफ पता नहीं चलता कि अभी कहाँ से टिकट लेनी है कहाँ से नहीं लेनी है, बंदा कहाँ घूम सकता कहाँ नहीं।